आज मैं बहुआ में हूँ और जहाँ पर खड़ी हूँ ये बारात घर है जो 2010-11 में बना हुआ था। आज इसकी स्थिति देखी जाए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो बगल में देख सकते हैं बाउंड्री टूटी पड़ी हुई है, इधर फर्श नहीं है, लाइट की फिटिंग है लेकिन पूरी टूटी ध्वस्त पड़ा हुआ है, शौचालय भी ध्वस्त पड़ा हुआ है। तो यहाँ के लोगों को काफी दिक्कत होती है। इसके बावजूद भी जब बारातें पड़ती हैं तो टाउन एरिया से पैसे भी लिए जाते हैं कुछ इसमें। तो लोगों की मांग है कि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की जाए, जनरेटर की व्यवस्था की जाए, लाइट की व्यवस्था की जाए, बाउंड्री बनवाई जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। जिस तरह से ये गरीब लोगों के लिए सरकार द्वारा बनाया जाता है वो व्यवस्थाएं लोगों को मिल सके। कहाँ व्यवस्था है, अपना लेके टेंट पेंट लगा दे, अपन काम गरीब आदमी निकाल ले हैं। और यह पंचवर्षीय में तो अभी नहीं पड़े, वो पंचवर्षीय में पहले पड़ते रहे। तो बारात डालने में क्या उसमें पहले होता रहे, वो पंचवर्षीय में कितने पैसे लेते हैं? 1100। हाँ देख लो, कहाँ बना क्या वहाँ फर्श नहीं है, बाउंड्री नहीं है, शौचालय घास भैया फर्श का है, घास ठाड़ घास जैसे बड़े लोग हैं वो तो बारात की व्यवस्था कर लेते हैं, वे अपना वहाँ गेट हाउस से करते हैं, गेट हाउस से पाने गरी, वाले हैं, गरीब आदमी यहाँ करते हैं। तो व्यवस्था मिल जाती है बारात रात पर? हाँ व्यवस्था मिल जाती है बारात को, लेकिन यहाँ पैसा पड़ता है क्यों? ये तो सरकारी है। बस यही तो कमी है बहन जी, आप समझ लो, हम तो अच्छा अपन पढ़े लिखे आदमी, इसमें तो व्यवस्था फिलहाल कुछ नहीं है। जो लोग अपनी तरफ से कर सकते हैं वही व्यवस्था है। इसके अंदर बाउंड्री है और बाकी लैटरिन नहानी बनी है, बाकी और कोई सुविधा नहीं है। पेड़ पौधे लगे हैं बस, नहीं फर्श वगैरह नहीं है। उसमें तो ना पानी आता है, गंदी संदी लैटरिन पड़ी रहती है, वहाँ कोई यूज नहीं करता है, साफ सफाई नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, खाली वो बन गई है क्या? और इसमें व्यवस्था होना चाहिए, और फिलहाल तो और व्यवस्था अच्छी होना चाहिए क्योंकि गरीब लोग परेशान हो जाते हैं। जब व्यवस्था नहीं मिलती है भाई, कहीं मारी जाल में जाते हैं वहाँ ज़्यादा पैसा है, यहाँ कम पैसा, तो ये वाला उठा लेते हैं। ये तो नियम गलत है पर लेते हैं जिनका पद है यहाँ। ये आपके वार्ड में बारात घर बना हुआ है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, आप सभासद हैं, कहती नहीं है कभी? नहीं अबे तो हम बनी हैं, अब हम कोशिश की है ये जो है सब धर्मशाला सही बना चाहिए, और जो व्यवस्था है गिरे ही बाउंड्री ये नया वैसे बना चाहिए। आपने मांग की है? हाँ। किससे मांग की है? चेयरमैन से हमने कहा है, हमारे बच्चे हाँ देखते हैं। महिलाओं को सिर्फ मोहरा बना के खड़ा कर दिया? नहीं हम जाते हैं हाँ। बच्चे देखते हैं हर चीज को, अभी तो जीता है, अब सगले हर देखभाल हर चीज को कर रहे हैं कि अब गरीब आदमी अब कोई देने लायक कोई नहीं देने वाला, तो उनसे पैसा अब नहीं पड़ना चाहिए, ऊपर से आदेश लीजिए और इसको माफ किया जाए। चलिए बहुत अच्छी हाँ। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।